क्षत्रिय धर्म है। एक लड़की के मन की बात जाने बिना अपने बेटे को वचन देना गलत है। हेलो गाइस, स्वागत आपका इस नए वीडियो में। और गाइस, शाम हो चुका है। यस, गुड इवनिंग। और आज सुबह से मतलब क्या बोलूं आपको, ये फोन मेरा पोपट कर दिया, नहीं तो मैं बहुत सारा वीडियो ले सकता था। आज घर पे बहुत सारे लोग आए थे और बहुत ही करीबी। और ये देखो, मेरी मम्मी इधर बैठी है, मस्त क्या कर रही है, मेरा ब्लॉग देख रही है, मेरा ब्लॉग का वेट, कोई वेट करे या ना करे, मम्मी हमेशा वेट करती है कि कब आ रहा है ब्लॉग, पूरा दिन से एकदम। सुबह सुबह मेरे मामा और मामी आए थे और साथ में बहने भी आए थे तीनों। फिर लंच वगैरह होने के बाद फिर उन लोग चले गए बाहर घूमने, और मैं अभी समय निकाल पा रहा हूँ वीडियो बनाने के, क्योंकि सुबह से मतलब क्या बोलो, फोन कैसा पोपट मारा मैं आपको बताता हूँ। उनमें हो गया स्टोरेज फुल, मेमोरी कार्ड 32 GB का डाल के रखा हूँ फोन में, वो भी फुल है, और ये जो फोन का स्टोरेज है वो भी फुल है, दोनों फुल है, ठीक है। मैं जो वीडियो एडिट करता हूँ ना गाइस, उसका अलग सा फाइल मतलब डुप्लीकेट फाइल भी बन जाता है, ठीक है। मतलब जो भी मैं वीडियो सिलेक्ट करके एडिट करने वाला हूँ उसका अलग सा एक स्टोरेज ले लेता है, तो उसके चक्कर में पूरा फुल हो गया। और मैं अब एडिट करके एक्सपोर्ट करके जब तक नहीं निकालूं तब तक मैं नया वीडियो ले नहीं सकता, क्योंकि पुराना वीडियो डिलीट कर दूंगा तो मैं क्या एडिट करूं, ऐसा हो जाता है। और कल क्या झंझट हुआ, कल वाला ब्लॉग में मम्मी का फोन में रिकॉर्ड हुआ है, मेरा फोन में रिकॉर्ड हुआ है, और सारा वीडियो एक साथ जब जुगाड़ कर रहा हूँ तो बन जा रहा है लगभग 28 GB ना कितना GB का फाइल बन जा रहा था टोटल, और उतना स्टोरेज है नहीं भाई। जैसे तैसे करके मैं वीडियो एडिट किया और अभी थोड़ी देर पहले अपलोड मारा। यार ये सब बहुत लोचा है भाई, मेरा जो दिक्कत है किससे शेयर करूं भाई, घर में सब समझता है क्या आएगा, तो पुराना डिलीट करते फिर बना ऐसा बोल देते हैं, तो पुराना डिलीट कैसे करूँ, अब जब मैं वीडियो एडिट ना करूँ तो डिलीट कैसे करूँ, ये बहुत दिक्कत रहता है। तो खैर उसको अभी वो सब बातों को छोड़ो, अब बात अभी ये है, शाम हो गया, 7 बज गया, और ऐसा लग रहा है कि अभी 5:30 बजे, मतलब 7 बजे भी इतना उजाला है। गाइस दोपहर को हम सारे के सारे बाहुबली 2 देख रहे थे, और बाहुबली 2 ऐसा एक मूवी है, कभी भी देखो, कैसा भी मूड हो बस आपका मूड फ्रेश हो जाता है, और बहुत सही लगता है मूवी। हर जितना कितना ना जाने गाइस हम लोग कितने बार देखे हैं बाहुबली 2, लेकिन बहुत अभी भी बहुत सही लगता है। और एक तो मूवी है जो थ्री इडियट भी आप जितना बार देखो उतना बार मजा आता है। मेरे पास अभी कुछ करने को है नहीं, तो मैं अभी यही करता हूँ, ये कलर करता हूँ इसको, और ये जो मेन कलर है, ये जो कलर आपको दिख रहा है ना, इससे कुछ अलग कलर करने का मैं कोशिश करूंगा, और देखते हैं कैसा बनता है। Thank you.
गाइस, जैसे कि आपने देखा, ये है, ऐसा बनाना था लेकिन मैंने ऐसे बनाया और काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही कलरफुल लग रहा है। इसीलिए ऐसे ही कभी कभार ऐसे मतलब कुछ करने का मन नहीं करता है तो मैं ऐसे ड्रॉ करने बैठ जाता हूँ और अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अपने जोन में आ गया फिर से। और ब्लॉग के चक्कर में ज़्यादा मैं ड्रॉ कर नहीं पाता हूँ क्योंकि वीडियो लेना, एडिट करना, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा काम रहता है। लगता है कि कुछ काम नहीं, अरे क्या है, वीडियो लेना है, फिर उसको एडिट करना है, फिर अपलोड करना है, कंट्रोल। तो फिलहाल गाइस देखो, ये ऐसा लग रहा है देखने में और काफ़ी सही लग रहा है। मुझे लगा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं ट्राई किया तो अच्छा लगा देखने में। तो फिलहाल गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।